नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज एमजे अकबर। पत्रकारिता जगत से लेकर राजनीति में एक बड़ा नाम, लेकिन वर्तमान समय में एमजे अकबर का नाम लगातार खबरों में इसलिए है क्योंकि बहुत सी औरतें उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं। हैशटैग मी टू के अंतर्गत लगातार महिलाएं उन पर उन लोगों को सबके सामने ला रही हैं जिन्होंने कभी भी उनका उत्पीड़न किया था। अब मशहूर पत्रकार गजाला वहाब ने भी एमजे अकबर पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने द वायर में एक आर्टिकल लिखा, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह एशियन एज में काम करते हुए उन्होंने एमजे अकबर की घटिया सोच का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने अपनी कहानी बताते हुए लिखा कि एशियन एज के ऑफिस में मुझे एक सीनियर ने टू स्मॉल टाउनशिप कहकर ताना मारा था। अगले 2 साल तक मैं वहां किसी तरह सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती रही। मैंने सुना कि लोग दिल्ली के एशियन एज ऑफिस को अकबर का हरम कहते थे। वहां पर लड़कों से ज्यादा युवा लड़कियां। मैंने कई दफा ये भी सुना कि एशियन एज के रीजनल ऑफिस में भी अकबर की गर्लफ्रेंड्स हैं। ऑफिस कल्चर के नाम पर ये सब निगलने की कोशिश कर रही थी। गजाला वहाब ने आगे बताया कि एमजे अकबर मेरे एडिटर थे। उन्होंने जानबूझकर मेरा टेबल उनके टेबल के सामने लगवाया। वो मुझे कई बार केबिन में बुलाते थे। वो जब वीकली कॉलम लिखते थे तो मुझे डिक्शनरी देखने के लिए बुलाते थे। डिक्शनरी काफी नीचे थी, अगर उसे पढ़ना है तो किसी को झुक कर पकड़ना पड़ता था। एक बार जब मैंने कोई शब्द देख रही थी तो उन्होंने मेरे पीछे से आकर पकड़ लिया। उन्होंने मुझे शरीर को ब्रेस्ट के हिस्से हिप्स तक बुरी तरह छुआ। मैंने उन्हें ढकेलने की कोशिश की पर वो मुझे कसकर पकड़ते रहे। उनके हाथ मेरे ब्रेस्ट को छूते हुए उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था। इसके बाद भी कई बार उन्होंने इस तरह मुझे परेशान करने की कोशिश की। मैंने कई बार सोचा कि मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन 1990 का दौर था। मैं पहली बार अपने घर से बाहर आई थी, घर से लड़कर आई थी। मैं खुद से कुछ करना चाहती थी। गजाला ने और भी घटना बताई जब एमजे अकबर ने उन्हें इस तरह हरास किया, उनका उत्पीड़न किया। गजाला वहाब से पहले प्रिया रमानी, कनिका गहलोत, सुपर्णा सुमार, राहा, प्रेरणा सिंह, वृंदा और सुतपा पाल ने एमजे अकबर पर आरोप लगाए थे। इन सब ने लगभग एक ही तरह का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि एमजे अकबर उन्हें होटल के कमरे में बुलाते थे, किसी काम को लेकर बाहर भेजते थे और फिर वहां होटल के कमरे में पहले से ही मौजूद रहते थे। एमजे अकबर पर सबसे पहले चुप्पी तोड़ी प्रिया रमानी ने बताया कि प्रिया रमानी वोग मैगजीन को 2017 में एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में खुलकर बताया था। उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया जब उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ा था, लेकिन किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया था। अब इसी पोस्ट को शेयर करके उन्होंने लिखा है कि ये स्टोरी उन्होंने एमजे अकबर के साथ शुरू की थी। आप ट्वीट भी देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है। इन सब आरोपों के चलते ऐसा माना जा रहा है कि एमजे अकबर से इस्तीफा माना जा सकता है। हालांकि विपक्ष शुरू से ही एमजे अकबर के इस्तीफे का मांग कर रहा है। अकबर फिलहाल नाइजीरिया दौरे पर हैं, उन्हें एक दिन पहले ही वापस बुला लिया गया है। इस कारण अटकलों लग रही है कि उनका इस्तीफा मांगा जा सकता है। सरकार इस मामले में चुप है। सुषमा स्वराज ने सवाल करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं सरकार की तरफ से एमजे अकबर पर लग रहे आरोपों पर कोई बयान आया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह का काम करने वाला शख्स हमारे लिए संसद में बैठकर कानून बनाता है? यकीन नहीं होता। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।